हेलो साइको ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जनरल साइकोलॉजी। हम पढ़ रहे थे साइकोफिजिक्स और आज हमारा टॉपिक है फेक्नर्स लॉ। गुस्ताव फेक्नर एक्सपेंडेड ऑन वेबर्स वर्क बाय स्टडिंग समथिंग ही कॉल्ड द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। गुस्ताव फेक्नर ने वेबर के काम को आगे बढ़ाया। वेबर ने, हमने पढ़ा है ना, क्या काम दिया था, उन्होंने जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के बारे में बात की थी, जिसको हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है उसको तो प्लीज़ आप उसको पहले पढ़ो, इसको बाद में, क्योंकि उसे पढ़े बिना ये आपको समझ में नहीं आएगा। सो वेबर के काम को गुस्ताव फेक्नर ने आगे बढ़ाया। वेबर ने दिया था टर्म जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस और गुस्ताव फेक्नर ने एक टर्म दिया एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इन्होंने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के बारे में बात की। An absolute threshold is the slowest level of stimulation that a person can consciously detect 50% of the time the stimulation is present. Now, absolute threshold को उन्होंने कैसे define किया? ये वो lowest level होती है stimulation की, यानी कि कोई stimulation present है, उसकी सबसे minimum level की, सबसे कम कितनी stimulation present की जाए, तब इंसान उसको half of the trials पे कॉन्शियसली डिटेक्ट कर पाए कि हाँ यहाँ पर कोई स्टिमुलेशन प्रेजेंट है। हम अगर 10 बार उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो मे बी वो 10 बार उसको नहीं समझ पा रहा है, उसको वो 5 बार अगर समझ पा रहा है कि हाँ 5 बार उसने बोल दिया कि हाँ यहाँ पर कोई स्टिमुलेशन प्रेजेंट है। अगर सुनने के लिए हम उसको साउंड सुना रहे हैं और उसको 5 बार वो साउंड सुनाई दे गया कि हाँ यहाँ पर कोई साउंड सुनाई दे रहा है मुझे, और 5 बार उसको साउंड सुनाई नहीं दिया 10 में से, तो हम उसको बोलेंगे कि यही एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है, क्योंकि इसने 50% ऑफ द टाइम उसको डिटेक्ट कर लिया। अगर वो 6 बार हो जाएगा, अगर 6 बार सुन लेगा, तो हम एक बार और थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे कि शायद और कम करें तो 5 बार सुन लेगा, तो वो एब्सोल्यूट होगा, क्योंकि 6 बार तो फिर एब्सोल्यूट से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने वेबर्स लॉ में भी और साइकोफिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम भी हमने चाय में चीनी की चर्चा की थी, शायद आपको याद ज़रूर होगा। तो अब हमने उस टाइम बोला था कि किसी इंसान को अगर 4 चम्मच चीनी वाली चाय या 5 चम्मच चीनी वाली चाय पसंद है और उसमें हम कितनी चीनी डालेंगे तब वो डिफरेंस पता कर पाएगा, राइट? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो चाय का कप आपको नज़र आ रहा है इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं है। हमने उसको बिल्कुल फीकी चाय किसी इंसान को पिलाई और उसको पता चल गया कि इसमें चीनी तो है नहीं। फिर उसके बाद हमने उसमें सपोज़ 1/4 टीस्पून चीनी डाली और फिर उसको पिलाई, तो हो सकता है कि वो उसको डिटेक्ट कर पाए कि हाँ इसमें टेस्ट चेंज हुआ है, और डेफिनेटली वो जल्दी डिटेक्ट कर पाएगा क्योंकि बिल्कुल फीकी चाय थी, तो उसे थोड़ी ज़्यादा अगर हम बढ़ाएंगे तो हो सकता है वो डिटेक्ट कर पाए। सपोज़ 1/4 टीस्पून चीनी डालने पर हमने उसको 4 बार ऐसे चाय पिलाई 1/4 टीस्पून चीनी डालकर, और उसने उनमें से 2 बार उसको डिटेक्ट कर लिया कि हाँ इसमें चीनी है। हो सकता है 2 बार में उसने बोला कि नहीं ये तो वैसी की वैसी है, फीकी है, लेकिन 2 बार उसने कहा कि नहीं इसमें तो चीनी है, थोड़ी सी है लेकिन है, तो वो 2 चम्मच हम बोलेंगे कि हाँ ये 1/4 टीस्पून जो है वो इसका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है, इसको टेस्ट पता चल रहा है। नाउ हमने जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस यानी JND में, वेबर्स लॉ में देखा था कि हम ये पता कर रहे थे कि अगर हमने पहले 2 चम्मच चीनी डाली और बाद में 3 चम्मच चीनी डाली तो वो उसको डिफरेंस को पता कर पा रहा है या नहीं कि हाँ अब इसमें कुछ अंतर आया। तो वो जो अंतर वो देख रहा था कि पहले इतनी थी अब इतनी है, तो उसमें जो डिफरेंस आया ये उसने पता कर लिया कि बोल दिया कि डिफरेंस है, तो दैट इज़ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। लेकिन वेबर्स फेक्नर्स लॉ पता करता है कि डिफरेंस कितना आया है। JND हमारा क्या डिटेक्ट कर रहा था कि इंसान को कोई डिफरेंस पता चल रहा है या नहीं स्टिमुलाई के बीच में, जबकि फेक्नर्स लॉ अटेम्प्ट करता है ये पता करने के लिए कि ऑब्जर्वर ने कितना डिफरेंस पता उसे फील हुआ है। हमने चाय में चीनी 1/4 टीस्पून बढ़ाई थी, ज़रूरी तो नहीं है कि इंसान को भी वो 1/4 टीस्पून ही ज़्यादा लगेगी, वो बोलेगा कि नहीं इसमें 1/4 टीस्पून डाली तुमने, हमने उसको बताया तो है नहीं, तो उसको कितनी फील होगी, उसका जो परसेप्शन होगा उसकी टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग, दैट विल बी हिज स्टिमुलेशन सेंसेशन। ओके, अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बल्ब का। सपोज़ ये बल्ब जल रहा था कमरे में, कुछ उजाला था कमरे में, फिर मैंने एक और बल्ब जला दिया जिसका उजाला थोड़ा ज़्यादा था। अब किसी इंसान को, ऑब्जर्वर को ये तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर उजाला बढ़ गया है, और वो कितना उजाला मैंने बढ़ाया है ये मैं जानती हूँ कि दोनों बल्ब कितने कितने वॉट के थे और कितनी इनकी इंटेंसिटी थी। लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको तो सिर्फ उजाला दिख रहा है कि पहले इतना उजाला था अब इतना हो गया, तो उसको वो कितना ज़्यादा
वो ब्राइटनेस उसको कितनी फील हुई, उसने कितनी परसीव करी, वो उसकी सब्जेक्टिव स्टिमुलेशन सेंसेशन हो जाएगी। उस सब्जेक्ट ने उसको कितना सेंस किया वो उसकी सब्जेक्टिव सेंसेशन हो जाएगी। यही चीज़ की कितना उसने फील किया, इस चीज़ को हम फाइंड करते हैं फेक्नर्स फॉर्मूला से, जो कि होता है S इज इक्वल टू के इंटू लॉग आई। आई होप आपको इन दो एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई होगी कि जे एंड डी और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या वेबर्स लॉ और फेक्नर्स लॉ में डिफरेंस क्या है। अब फेक्नर्स फॉर्मूला हम देख रहे हैं S इज इक्वल टू के इंटू लॉग आई। यहाँ पर S है सब्जेक्टिव सेंसेशन, यानी कि सब्जेक्ट को वो कितना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी का कम ज़्यादा होना फील कितना हो रहा है, एग्जैक्टली कितना, हाउ मच, हम उसका मेजर देख रहे हैं। आई इज़ द स्टिमुलस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एक्चुअल में स्टिमुलस की कितनी थी, हमने कितनी घटाई या बढ़ाई या कितनी एग्जैक्टली उसकी थी मेजरमेंट में इंटेंसिटी। और के इज़ द कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट होता है जो कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लगाते हैं, और के की वैल्यू सारे सेंसेस के लिए कुछ कॉन्स्टेंट होती है जो कि आपको इंटरनेट पर या फिर आपके टीचर्स के थ्रू पता चल जाएगी, और अगर नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट कोई एक शॉर्ट्स बनाकर उसमें अपलोड कर दूंगी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फेक्नर्स लॉ। अब इससे हमें पता चलता है कि सब्जेक्टिव सेंसेशन जो होती है, इंसान को जो सेंसेशन फील हो रही है उसका जो रिलेशन है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस के साथ, वो लॉगरिथमिक होता है। यानी कि के को अगर हम हटा दें और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दें कुछ इस तरह, तो हम देखेंगे कि S इज प्रोपोर्शनल टू लॉग I। S क्या, जो इंसान सब्जेक्ट को फील हो रहा है, सेंस कर पा रहा है, और I इंटेंसिटी, एक्चुअल इंटेंसिटी। तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ यहाँ नज़र आ रहा है, इस ग्राफ में इंटेंसिटी नीचे दी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, यानी x एक्सिस पर इंटेंसिटी और y एक्सिस पर सब्जेक्टिव सेंसेशन है। तो इंटेंसिटी को पर बढ़ाने पर सब्जेक्टिव सेंसेशन किस तरह बढ़ रहा है, उसका एक ग्राफ आपको कर्व शेप में नज़र आ रहा है। यही फेक्नर्स लॉ कहता है कि लॉगरिथमिक रिलेशन होता है, ये लीनियर रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक का मतलब होता है एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ उसकी पावर में बढ़ती है, एक्सपोनेंट में। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, अगर आपको फेक्नर्स लॉ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, क्लियर हो गया है, वेबर और फेक्नर लॉ में डिफरेंस समझ में आ गया है, या इनमें से कुछ भी एक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे एफर्ट्स आप लोगों को बेनिफिट कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियोस बनाया करूँ, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं खुद अभी बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह में, तो इसलिए कम मैं ऑनलाइन आ पाती हूँ, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं फ्रिक्वेंटली आ पाऊँ आपके पास और आपको एक अच्छा और रिलायबल कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरी बातें सुनने के लिए भी थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।